नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा कैप डिज़ाइन लाई हूँ। इसे आप अपने लिए बनाएं या अपने बच्चों के लिए बनाएं, ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये इसका फ्रंट लुक है। ये दोनों साइड से ये ऐसा दिखाई देता है और देखिए ऊपर से देखने में ये ऐसा दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पम भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कैप है ये और बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए इसमें 5 कलियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 कलियों का ये कैप है। बनाना आसान है और इस डिज़ाइन को आप बना के छोटा या बड़ा कैप कैसा भी आप बना सकती हैं, किसी भी साइज में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो और डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल वूल से 46 फंदे डाले हैं। ये वूल बर्धमान का 2 प्लाई का लच्छे वाला ऊन है, तो मैंने 46 फंदे डाले हैं और ये पहला लाइन है। तो हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट में आएंगे। तो मैंने सभी फंदे सीधा बुन लिए। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक फंदा घटा दिया और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब फिर हम सामने की तरफ से हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो हमने तीसरी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो ऐसे दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा फंदा भी घटा दिया। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 5वीं लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन को लगाएंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनते हुए हम लास्ट के 2 फंदों पर पहुंचेंगे। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारे कैप का छठा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उसे हम उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को सीधा और लास्ट फंदे को उल्टा। अब हम सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इन दोनों को एक साथ लेके सीधा बुन लेंगे। अब फिर रॉन्ग साइड से हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा। सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दूसरे कलर के ऊन से ही सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब उन दूसरी ओर करेंगे, लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 लाइन कंप्लीट किया है। हर सीधी लाइन में हमने एक फंदा घटाया है साइड की तरफ। हर सीधी लाइन में हमने साइड की तरफ एक फंदे घटाया है। तो 10 लाइन में 5 फंदे घटे। 4 लाइन हमने पहले कलर से बुना है और 6 लाइन दूसरे कलर के ऊन से। तो इस तरह हमने 10 लाइन बुना है। 10 लाइन में हमारे 5 फंदे घटे हैं। तो इन्हीं 10 लाइन को हम 5 बार दोहराएंगे, यानी 50 लाइन हो गया। तो 50 लाइन में हमारे 25 फंदे घट जाएंगे। हमने 46 फंदे लिए हुए थे, तो 25 फंदे घट जाएंगे तो हमारे साइड में सिर्फ 21 फंदे रह जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21, यानी इतने फंदे हमारे रह जाएंगे। और सभी फंदे, ये हमारे 25 फंदे हुए, ये घट जाएंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 50 लाइन कंप्लीट कर लिया है। 25 फंदे यहाँ घट चुके हैं और सिलाई पे 21 फंदे हैं। अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से, यानी फर्स्ट कलर से, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने 21 फंदों को सीधा बुन लिया। अब हमने ये जो 25 फंदे घटाए हैं तो उन्हें हमें उठाना पड़ेगा। सीधे फंदों की देखिए धारी गई हुई है, तो हम प्रत्येक सीधे फंदे के नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे और एक फंदा उठा लेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो टोटल हमारे पास हो गए वापस 46 फंदे। और हमने ये पहला लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम यहाँ से अपने फंदे डिक्रीज करना शुरू करेंगे, यानी 2 फंदों को एक साथ लेंगे, शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे, लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर। तो मैं लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब फिर हम रॉन्ग साइड में आ गए तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, लास्ट के दो फंदों को छोड़कर। हमें पूरी लाइन उल्टा बुनना है, लास्ट के दो फंदों को छोड़कर। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब लास्ट के दो फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। सभी फंदे सीधे और लास्ट फंदे को उल्टा बुनना है। बेहद खूबसूरत कैप है, बनने के बाद देखिएगा कितना खूबसूरत दिखाई देगा। इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, फंदे को बढ़ाकर और फंदे को कम करके आप इसे किसी भी साइज का बना सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, बस हमें फंदे बढ़ाने या घटाने होंगे। और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो दूसरे कलर का ये 4 लाइन कंप्लीट हो गया। 2 लाइन और हमें बनाना है तो फिर हमारा ये 10 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर शेष सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और फिर सभी फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद ये हमारा 10 लाइन कंप्लीट हो गया। और फिर हम इसको 4 बार और दोहराएंगे, यानी हमारा ये 5 धारी, लाल रंग का 5 धारी बन जाना चाहिए। एक हमारा ये हो गया, 4 हम और बनाएंगे। तो उतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, 5 डिजाइन हो गए, यानी कि 25 फंदे घट चुके हैं और सलाई पे 21 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21। तो अब हम फिर शुरुआत से यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कलर से इन 21 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो 21 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब जैसे जैसे हमारे ये फंदे घटते गए हैं तो ये देखिए हमारा सीधा फंदा एक बनता गया है, ये धारी बनती गई है, सीधे फंदे की लाइन बनी है। तो हम प्रत्येक फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा उठा लेंगे। तो 25 फंदे हमने घटाए हैं, तो 25 फंदे हमारे उठ जाएंगे। देखिए ये जो सीधा फंदा है, इसमें दोनों धागों के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। देखिए डाला और एक फंदा बना लेंगे। तो हमने 25 फंदे घटाए थे और हम वापस 25 फंदे उठा लेंगे। चलिए फिर से हम गिनते हैं कि कितने फंदे सिलाई पे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तो हमारे सिलाई पे वापस 46 फंदे हो गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम ये हमारा दूसरा लाइन है। अब हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया और शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो हम फर्स्ट कलर से ही सभी फंदों को, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 2 फंदों के पास पहुंचेंगे। अब देखिए 2 फंदे रह गए हैं, तो दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा फंदा घट गया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 लाइन कंप्लीट हो गए। अब 5वें लाइन में हम अपने दूसरे कलर को लगाएंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट के 2 फंदों के पास पहुंचेंगे। तो मैं बुन लेती हूँ, आप भी बुनिए। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट के 2 फंदों के पास पहुंचेंगे। तो मैं इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को सीधा मैंने बुन लिया है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो दोनों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो इधर हमने तीसरा फंदा घटा लिया। अब रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। लास्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो दूसरे कलर से ये हमारा दूसरा लाइन है। तो दूसरे कलर से हम 6 लाइन को रिपीट करेंगे, यानी पहला लाइन हमने सीधा बुना, दूसरा भी हम सीधा बुन रहे हैं, तीसरे को हम उल्टा बुनेंगे, चौथे को सीधा, 5वें को उल्टा और 6ठे लाइन को सीधा। और हर सीधी लाइन में हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो अपने 10 लाइन के इस डिजाइन को हम 5 बार दोहराएंगे। तो हमारे 25 फंदे घट जाएंगे और हमारा एक कोन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह करते हुए हम कुल 5 या 6 कोन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे कलर से मैंने 6 लाइन बना लिया और यहाँ देखिए 5 फंदे घट गए। 2 फंदे हमारे पहले कलर में, 2 फंदे और 3 फंदे, 6 लाइन हमने बनाया तो 3 फंदे इधर घट गए। तो इन्हीं 10 लाइनों को हम रिपीट करेंगे, 5 बार रिपीट करेंगे, तो हमारे 25 फंदे घट जाएंगे और सिलाई पे 21 फंदे ही रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे 21 फंदे रह गए हैं और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एक हमारा कोन तैयार हो गया है। इसे आप एक कोन कहिए या फिर एक कली। एक कली हमारी ये तैयार हो गई है। इसी तरह करके हम 5 कली बनाएंगे तो हमारा ये कैप बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 कली बनाया है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये 5वां डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हुआ। देखिए 5 धारी बन गई, 1 2 3 4 5, यानी ये कंप्लीट हो गया है। और अब सिलाई पे 21 फंदे रह गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21, और यहाँ से 5वां कली तैयार हुआ है। और हमने यहाँ पे 25 फंदे घटा लिए। अब फिर हम अपने फर्स्ट कलर को से यहाँ इन 21 फंदों को सीधा बुन लेंगे। और फिर हम इन घटाए हुए फंदों को उठाएंगे। हमने 25 फंदे घटाए थे। 25 फंदों को हम, देखिए ये हमारे घटे हुए फंदे हैं। ये जो सीधी फंदे दिख रहे हैं, इनके दोनों साइड में ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे उठा लेंगे। तो हमने 25 फंदे उठा लिए। 21 फंदे थे, यानी कि 46 फंदे हो गए। और अब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और फिर इन सभी फंदों को हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। वापस इसे हम बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक, फिर इसे बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को घटा लिया। अब इस डूब को थोड़ा बड़ा करेंगे, गोले को इसमें से निकाल लेंगे। अभी हम इसकी सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सिलाई कर दिए तो हमें राउंड नीडल से इसका बॉर्डर बनाना होगा। हमें इसे नीचे हमें बॉर्डर बनाना होगा। तो अब सिलने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा। तो अब हम इसमें सीधी तरफ से हम इसके बॉर्डर के लिए फंदे उठाएंगे। देखिए ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर ऐसे ही डालेंगे और इस छोटे वाले धागे को इस पर लपेटते चले जाएंगे। इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों के नीचे से एक फंदा उठाते चले जाएंगे। और सभी फंदों को उठा के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे उठा लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं। एक फंदा को उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा, यानी हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कैप है ये। बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत कैप है फ्रेंड्स। आप सेम तरीके से फंदों को बढ़ाकर या कम करके इसे किसी भी साइज का बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया। आप किसी भी साइज का बहुत ही आसानी से बना सकती हैं और बनने के बाद बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर कैप है ये। हम बॉर्डर बना रहे हैं। बॉर्डर का ये दूसरा लाइन है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम सिंगल रिब में बॉर्डर बना रहे हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने 9 लाइन कंप्लीट कर लिया है। 9 रोज मेरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 10वां लाइन है और इस लाइन में हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर इसको हम 22 लाइन में चढ़ा देंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। फिर इसको भी हम 22 लाइन पे चढ़ा देंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ना हाथ हम बहुत ढीला रखेंगे, ना हम बहुत टाइट रखेंगे। एक नॉर्मल वे में बुनते हुए हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बैक लूप से 2-2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए हम 2 का एक कर लेंगे। तो हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और अब हम इसमें से धागा निकालेंगे और थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि हमें अब सिलाई करनी है। अब हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा पक्का कर लेंगे। देखिए इस जो ये सीधे फंदों की लाइन गई है, इसके बाहर देखिए एक पूरे फंदे को हम ऐसे उठाएंगे, इधर से भी, और देखिए इसके इस साइड, दूसरे साइड से भी ऐसे एक पूरे फंदे को हम उठाएंगे, इस साइड से भी और दूसरे साइड से भी। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और सिलाई का पता ही नहीं चलेगा। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, कैप बन के तैयार है। देखिए देखिए ये प्यारा सा कैप बन के तैयार है। ऊपर से देखिए ये खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार है। कितना खूबसूरत है देखिए। मैंने इसे 46 फंदे डाले हैं और तब बनाया है ये। मैंने इसे 56 फंदों में बनाया है। ये स्टैंडर्ड साइज का है। ये तो कैप तैयार है। ये किसी भी लेडीज में या बच्चों के सिर में आसानी से हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रेचेबल है। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हो तो 36 फंदा डालिएगा और 20 फंदे कम कीजिएगा। 36 फंदा डालिएगा और 20 फंदे कम कीजिएगा और यहाँ पे 16 फंदे बचने चाहिए। तो अच्छी तरह ये बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कैप डिज़ाइन आपको कैसा लगा बताइएगा। यदि आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आप चाहें तो यहाँ पे पमपम भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।